फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों में रूसी डैंड्रफ हटाने के नेचुरल तरीक़ों के बारे में। दोस्तों, कि जो डैंड्रफ एक आम समस्या है, दोस्तों हर किसी को कभी ना कभी डैंड्रफ से जूझना ही पड़ा है। इसको हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, डैंड्रफ को ठीक करने के लिए आपका आहार यानी आपकी डाइट क्या होनी चाहिए दोस्तों? बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, डैंड्रफ और डाइट का आपस में संबंध है दोस्तों, कि डैंड्रफ को ठीक करने के लिए आपकी डाइट क्या होनी चाहिए और ऐसे कौन से नेचुरल रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप डैंड्रफ ठीक कर सकते हो, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं और हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बाल हमारे व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। बालों को चमकाने और स्वस्थ रखने के लिए खासकर महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं दोस्तों, वहीं बालों से जुड़ी कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जो जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, और डैंड्रफ इन सबसे आम है दोस्तों। रूसी हटाने के उपाय अगर शुरुआत में ही नहीं किए गए तो बाल ख़राब भी हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ऐसे में डैंड्रफ को हटाने के उपाय के रूप में कुछ प्रकृतिक और घरेलू नुस्खे हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, डैंड्रफ क्या है हम सबसे पहले वो आपको बताएं दोस्तों। डैंड्रफ स्कैल्प से जुड़ा एक विकार है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद मृत कोशिकाएं झड़ती हैं। इन झड़ती कोशिकाओं को बालों में साफ देखा जा सकता है दोस्तों। इससे बालों में खुजली होती है और साथ ही व्यक्ति असहज भी महसूस करता है। इससे होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें सेबोरेहिक डर्मेटाइज, त्वचा में खुजली और पपड़ी की समस्या जैसी समस्याएं, पपड़ी की समस्या जैसे त्वचा समस्या, फंगल संक्रमण, बैक्टीरिया भी शामिल है दोस्तों। दोस्तों, माना जाता है रूसी की समस्या लगभग 50% आबादी को प्रभावित करती है दोस्तों। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि डैंड्रफ कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले ही सेबोरेहिक डर्मेटाइटिस, ये डैंड्रफ का एक गंभीर प्रकार है जिसमें खुजली और स्कैल्प की त्वचा लाल और पपड़ीदार हो जाती है। दूसरा है फंगल डैंड्रफ, किसी प्रकार के फंगल संक्रमण के कारण होने वाला है, इसलिए इसको फंगल डैंड्रफ कहते हैं दोस्तों। है मेलेसेजिया फंगल इसका मुख्य कारण हो सकता है। बैक्टीरियल डैंड्रफ स्कैल्प में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ड्राई स्कैल्प नमी की कमी और मौसम के बदलाव के कारण होता है दोस्तों। तो सब हम बताएंगे रूसी होने के कारण क्या होते हैं, डैंड्रफ के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले मेलेसेजिया, ये एक प्रकार का फंगी होता है जो जानवरों इंसानों की त्वचा में पाया जाता है। ये त्वचा में सूजन और संक्रमण के कारण बन सकता है जिससे डैंड्रफ की समस्या हो सकती है दोस्तों। स्कैल्प पर पाए जाने वाले दो मुख्य जीवाणु पी एक्नेस और एस एपिडर्मिस असंतुलित की वजह से डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। रूखी त्वचा, ये रूसी के सबसे सामान्य कारणों में से एक ही तैलीय त्वचा, प्रदूषण के कारण स्कैल्प में गंदगी के जमना, कम शैम्पू करना, कॉस्मेटिक के प्रति स्कैल्प में संवेदनशीलता रूसी के मुख्य कारणों में से एक है दोस्तों। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे प्राकृतिक और होम रेमेडीज़ घरेलू नुस्खे दोस्तों। सबसे पहले बात आती है टमाटर की। जी हाँ दोस्तों, टमाटर से आप अपनी डैंड्रफ को रूसी को ठीक कर सकते हो दोस्तों। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो टमाटर आपके खाने का ज़रूरी हिस्सा है और सेहत में इतने फ़ायदे पहुंचाता है, वो आपके बालों के लिए भी वरदान है दोस्तों। दोस्तों, टमाटर के जूस से आप डैंड्रफ को दूर कर सकते हो और बालों को खूबसूरत बना सकते हो दोस्तों। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई मौजूद होता है। ये बालों को में मजबूती देता है और साथ ही सिर का पीएच बैलेंस और डैंड्रफ और खुजली जैसी परेशानियों में राहत दिलाता है दोस्तों। इसके लिए आप इससे आपके बालों में चमक भी आती है दोस्तों। दोस्तों, अपने बालों की लंबाई के हिसाब से एक या दो टमाटर लें, इसका गूदा पीसकर प्यूरी बना लें, या चाहे तो इसका रस भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अपने बालों में लगाकर 2 मिनट तक मसाज करें दोस्तों। दोस्तों, अब इसे करीब 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, फिर धो लें। इसे हफ्ते में 2 बार करें। इसे नियमित इस्तेमाल से आपके डैंड्रफ से राहत मिलेगी। आप इसमें नारियल और बादाम का तेल मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। विटामिन सी और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है बालों में, इससे दोस्तों बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। ये लंबे होते हैं दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपके पतले बाल घने होते हैं, इससे बालों का वॉल्यूम आता है दोस्तों। अगर आपके दो में बालों की परेशानी है तो इसको नियमित इस्तेमाल से इससे भी आपको छुटकारा
छुटकारा मिल जाएगा। टमाटर में पाए जाने वाले विटामिन से बालों में चमक पैदा होती है। शैम्पू की वजह से अगर बालों में चमक चली गई, सप्ताह में 2 बार टमाटर प्लस बालों में ज़रूर लगाएं दोस्तों। दोस्तों अगली रेमेडीज़ है, इसके लिए आपको चाहिए नीम की 15 से 20 पत्तियाँ। इसको अच्छी तरह उबालें और इन पत्तियों का पेस्ट बना लें। इसे ठंडा होने पर स्कैल्प पर लगाएं। 30 मिनट बाद शैम्पू या कंडीशनर से बाल धो लें। पेस्ट को नहाने से पहले लगाएं दोस्तों। दोस्तों नीम एक गुणकारी पेड़ है जिसकी पत्तियाँ विभिन्न शारीरिक परेशानियों के लिए निवारण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डैंड्रफ दूर करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय की बात करें तो नीम सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों नीम में कई औषधि गुण हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल शामिल है। रूसों के लिए नीम का एंटी फंगल गुण सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। ऐसे में डैंड्रफ का घरेलू उपाय करने के लिए नीम उपयोग में किया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला है जो रेमेडीज है, इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच नींबू और 5 चम्मच नारियल का तेल। नींबू के रस में नारियल का तेल मिला लें और मिश्रण को नहाने से पहले अच्छी तरह स्कैल्प पे लगाएं। आधे घंटे बाद बालों को हर्बल शैम्पू से धो लें दोस्तों, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो है लहसुन की 1 से 2 कलियां, आधा कप जैतून का तेल। लहसुन की कलियों को छिलकर कुचल लें। ऑलिव ऑयल के साथ कुचले हुए लहसुन को सॉस पैन में हल्का गुनगुना करें। अब इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक गर्म होने पर मिश्रण को छान कर ठंडा होने दें और मिश्रण को स्कैल्प में लगाएं दोस्तों। दोस्तों अगला जो है, इसके लिए चाहिए आपको 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच नारियल का तेल या फिर जैतून का ले सकते हैं। नारियल या जैतून के तेल के अलावा आंवला पाउडर को गर्म करें। जब ये तेल भूरे रंग का हो जाए तो इसको ठंडा होने रख दें, स्कैल्प में लगाएं। 10 से 15 मिनट तक मसाज करें और फिर शैम्पू कर लें दोस्तों। दोस्तों अगला जो है दही। दोस्तों 1 कप दही का यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले बालों को शैम्पू से धो लें। अब दही को स्कैल्प में लगाएं, 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब शैम्पू से अपने बालों को धो लें दोस्तों। दरअसल दही में लैक्टोबैसिलस पेरोसिस बैक्टीरिया मौजूद होता है जो बैक्टीरिया रूसी समस्याओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अगला जो है एलोवेरा जेल। नहाने से पहले एलोवेरा जेल को स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह से लगाएं। 15 मिनट बाद सिर को शैम्पू से धो लें दोस्तों। एलोवेरा का जूस भी फायदे अनेक होते हैं, इसमें कई औषधि गुणों के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये बालों की रूसी हटाने के उपायों के लिए काफ़ी लाभकारी है दोस्तों। एलोवेरा में प्राकृतिक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं दोस्तों, जो रूसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों अगली जो रेमेडी है वो है मेथी के पत्ते। दोस्तों 3 चम्मच मेथी के पत्ते लें या सूखी पत्तियाँ भी ले सकते हैं या मेथी दाने ले सकते हैं। आधा कप नारियल के तेल का उपयोग करें। आधे से 1 घंटे के लिए मेथी दानों को पानी में भिगो कर रख दें। चाहे तो रात भर के लिए मेथी को दोनों को पानी में भिगो कर रख सकते हैं। इसके बाद मेथी दानों को छील लें। अब इसकी सूखी पत्तियों को नारियल तेल मिलाकर गीले बालों पर लगा आधे घंटे बाद शैम्पू कर लें दोस्तों। दोस्तों अगली रेमेडी है 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा। दोस्तों बालों को गीला करें। अब बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से स्कैल्प पर बालों पर लगाएं। 1 से 2 मिनट तक बालों को पानी से 1 से 2 मिनट बाद बालों को पानी से धो लें। बेकिंग सोडा शैम्पू में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बेकिंग सोडे का उपयोग डैंड्रफ के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो डैंड्रफ को दूर करने के लिए। दोस्तों अगला है सेब का सिरका। 2 से 4 चम्मच सेब का सिरका, 2 से 4 चम्मच पानी का उपयोग करके एक बाउल में सेब के सिरके में पानी मिला लें। फिर बालों को शैम्पू से धोने के बाद सिरके वाले पानी को स्कैल्प में लगाएं। करीब 15 मिनट बाद साफ पानी से धो लें दोस्तों। ये प्रक्रिया नहाने से पहले करें तो सेब का सिरका बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है डैंड्रफ के लिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे रूसी और डैंड्रफ से बचने के उपाय। दोस्तों हमने आपको बताया कि धूल मिट्टी और प्रदूषण डैंड्रफ के कारणों में से एक होते हैं। ऐसे में हर दूसरे दिन शैम्पू करें या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन शैम्पू करें ताकि स्कैल्प पर गंदगी ना जमे और डैंड्रफ से बचाव हो सके। दोस्तों ज़्यादा ड्राई स्कैल्प भी डैंड्रफ का कारण हो सकती है, ऐसे में सौम्य शैम्पू का इस्तेमाल करें दोस्तों। दोस्तों अगर हर दूसरे दिन शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू की मात्रा कम लें। बालों के लिए हेयर कॉस्मेटिक जैसे जेल, स्प्रे, केमिकल युक्त शैम्पू का उपयोग करने से बचें दोस्तों। सही एंटी डैंड्रफ का शैम्पू का चुनाव करें। बार बार शैम्पू ना बदलें दोस्तों। दोस्तों कॉम्ब, टॉवल, हेयर क्लिप्स किसी को से शेयर न करें, इनको हमेशा साफ रखें। तेज़ धूप में ना लगाएं। पिलो केस में नियमित अंतराल पर साफ करते रहें। बेस्ट क्वालिटी का हेयर प्रोडक्ट यूज़ करें, जहाँ तक संभव हो हेयर स्टाइलिंग से दूर रहें। बाल हफ्ते में 2 से 3 बार नॉर्मल वाटर से ज़रूर धोएं दोस्तों।
दोस्तों सर्दी में हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। यदि आपकी स्किन ऑयली है या फील्ड वर्क करना होता है तो हर अल्टरनेटिव डे में अपने हेड को वॉश करें। दोस्तों हमेशा माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें। पीएच 5.5 स्केल के लिए आइडियल होता है। पानी भरपूर पिए। अंकुरित आहार, हरी सब्जी, प्रोटीन वाली चीज़ें अपने भोजन में शामिल रखें दोस्तों। तनाव मुक्त रहें दोस्तों। रूसी से दूर करने के कुछ और उपाय, जैसे खूब पानी पिए, पेय पदार्थ का सेवन करके खुद को हाइड्रेट रखें ताकि स्केल्प ड्राई ना हो। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कंघी को साफ रखें। अपनी कंघी किसी के साथ शेयर ना करें। कंघी का उपयोग ज़्यादा जोर से ना करें। स्केल्प पे पसीना होने पर बार बार स्केल्प पे खुजली ना करें, इससे चोट लग सकती है, संक्रमण हो सकता है। जिस तौलिए से बाल साफ करें दोस्तों, जिस तौलिए से बाल पोछें वो साफ होना चाहिए। हेयर स्टाइलिंग उपकरणों का उपयोग ना करें दोस्तों। हम आपको बताएंगे कि डैंड्रफ के साइड इफ़ेक्ट, ये छीन लेते हैं चेहरे और आँखों की खूबसूरती दोस्तों। तो उससे स्केल्प पे खुजली होने लगती है। दिन भर सिर खुजाने की जगह जगह पर्सनालिटी पर असर पड़ता है। डैंड्रफ से सोरियोसिस भी हो सकता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्केल्प में लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इनमें खुजली होती है। ये धब्बे आपके कान के पीछे या पीठ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। पीठ पर मुहासे होने लगते हैं दोस्तों। बैक एक्ने का एक बड़ा कारण डैंड्रफ है। चेहरे की सुंदरता बर्बाद हो सकती है दोस्तों। ड्राई स्किन फ्लेक्स आपके पोर यानी रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपको मुहासे अक्सर होते हैं तो डैंड्रफ की इस स्थिति को और ख़राब कर सकते हैं। बाल तेज़ी से झड़ते हैं। डैंड्रफ से हेयर फॉल की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। डैंड्रफ से ब्लेफोराइटिस आई इन्फेक्शन हो सकता है। इससे पलकों में डैंड्रफ हो जाती है, जिससे आँखें ख़राब हो दिखती हैं और खुजली चलती है दोस्तों। दोस्तों अब हम बताएंगे डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए आपकी डाइट और आहार क्या होना चाहिए दोस्तों। डैंड्रफ आम है, जिसे हर किसी को दो चार होने पड़ता है। लड़कियां इस समस्या से बचने के लिए कई तरह के महंगे मेडिकेटेड शैम्पू, दवाइयां, ट्रीटमेंट पार्लर में पैसे खर्च करती हैं, पर रिजल्ट मिलता है ज़ीरो। पर अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस समस्या को अपने घर में रखे फल और अनाज से दूर कर सकते हैं दोस्तों। जिसे आप अपने डाइट में शामिल कर आप डैंड्रफ की समस्या को दूर कर सकते हैं दोस्तों। कुछ फूड और फलों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको इस समस्या से जल्द निजात दिलाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करें चने की। चिक पीस यानी छोले खाने से रूसी दूर होती है दोस्तों। इसमें दो ज़रूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन B6 और जिंक होता है, जो कि रूसी को खात्मा करता है। अगर आपको चने अच्छे नहीं लगते तो इन्हें पीस कर सिर पर लगाएं दोस्तों। चिक पीस में दही और पानी का पेस्ट सिर पर लगाकर कुछ देर रखें और फिर सिर को धो लें दोस्तों। तो अगला जो आहार है वो है अदरक। कुछ लोगों को पेट सही नहीं होने की वजह से और रूसी की समस्या हो जाती है, लेकिन अदरक खाने से ये रूसी की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है दोस्तों। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होने की वजह से रूसी से छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला है सूरजमुखी के बीज। सिर की त्वचा में अत्यधिक तेल रिसने से रोकता है, क्योंकि इसमें जिंक और विटामिन B6 होता है। इसके बीज पाचन को दुरुस्त करते हैं दोस्तों। शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से पैदा होने वाली रूसी को दूर करता है दोस्तों। दोस्तों अगला जो है सेब। सेब न केवल डॉक्टर से ही बल्कि डैंड्रफ से भी दूर रखता है। आप इससे या तो सलाद या डेजर्ट या जूस या साबुत खा सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता तो इसे पीस कर सिर की त्वचा पर लगाएं, फिर कुछ देर बाद सिर को धो लें दोस्तों। दोस्तों अगला है लहसुन। लहसुन में हाई कॉन्सेंट्रेशन एलिन्स एसिड होते हैं, जो प्राकृतिक एंटीफंगल तत्व है। यह तो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और फिर इसे पीस कर भी सिर पर लगा सकते हैं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो लहसुन का रस हल्का पानी मिलाकर लगाएं। दोस्तों गेहूं के बीज, आप इसे मिल्क शेक या ब्रेड या मूसली मिक्स कर यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जिंक और विटामिन B6 पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगला है केला। केले में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और मिनरल जैसे जिंक, पोटेशियम और आयरन होता है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो रूसी को दूर करने में मदद करता है। केले में एवोकाडो मिलाकर पेस्ट बनाओ, सिर पर लगाएं, 20 मिनट बाद सिर को पानी से धो लें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ऐसे योगासन जिनसे कर आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। पहला है जो है वो है अधोमुखासन, जो आप इमेज में देख रहे होंगे दोस्तों। और दूसरा है उष्ट्रासन। दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपको इमेज में बताया जा रहा है दोस्तों। और तीसरा है वज्रासन। दोस्तों इस पोजिशन में बैठ के आप अपने डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। ये था हमारा वीडियो रूसी डैंड्रफ को हटाने का होम रेमेडी, जो आप घर में कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।